हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कॉलेज की एग्जाम कब होगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की, स्पेशली आपकी यूजी और पीजी क्लासेस की जो परीक्षाएं हैं वो इस सत्र में कब होंगी, किस महीने में होंगी, कब से स्टार्ट होने वाली है, तो एग्जाम डेट के बारे में बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फाइनली आप सभी को पता है कि आपके यूजी के फॉर्म चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के, और वो अभी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। 22 जनवरी लास्ट डेट थी फॉर्म की, और अब बढ़ा के कर दिए 26 जनवरी। 26 जनवरी बिना शुल्क के, मतलब नॉर्मल आप जो फीस लगती है आपकी फॉर्म की, उसी फीस के साथ में आप 26 जनवरी तक फर्स्ट ईयर के फॉर्म भर सकते हैं। तो यूजी फर्स्ट ईयर के फॉर्म अभी भी जारी हैं। जिसने फॉर्म नहीं भरा है, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, वो 26 जनवरी तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके फॉर्म 26 जनवरी तक भरे जा रहे हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर दें बिना शुल्क के साथ में। उसके बाद में भी अगर आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो भर सकते हैं। 10-15 दिन तक और फॉर्म चलेंगे फर्स्ट ईयर के, लेकिन उसका थोड़ा विलंब शुल्क लगेगा। तो विलंब शुल्क के साथ में आप अतिरिक्त समय लेकर भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 26 तक लास्ट डेट है, फॉर्म भर दीजिए। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। सभी रिजल्ट आ चुके हैं प्रमोटेड स्टूडेंट के, जो फर्स्ट ईयर के थे जिनको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया गया था, और जो सेकेंड ईयर के हैं जिनको फाइनल ईयर में प्रमोट किया गया था, उन सभी कोर्सेज का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, यूजी सेकेंड ईयर के और यूजी फाइनल ईयर के। तो आपकी एग्जाम कब होगी, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो पहला पॉइंट है कि अभी तक आपके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, जनवरी का एंड चल रहा है। आज 23 जनवरी है, एंड चल रहा है जनवरी का, यूजी के फर्स्ट ईयर के फॉर्म चल रहे हैं। फरवरी मंथ में अगर आपके सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो पूरे फरवरी मंथ में आपके फॉर्म ही चलेंगे। हो सकता है कि मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएं, और जब मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे आपके, तो आपकी एग्जाम कब होगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस बार आपकी एग्जाम जो है वो एक्सटेंड होने वाली है, और आपकी एग्जाम होगी मई मंथ में। मई मंथ में आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी, ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि सिचुएशन आपको भापनी होगी। सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है, वो आप खुद देख सकते हो। अभी तक आपके सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। अगर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के फॉर्म स्टार्ट होते भी हैं तो एक महीने आपके फॉर्म चलेंगे, तो मार्च महीना तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में काफ़ी प्रक्रियाएं होती हैं, फॉर्मों की छटनी होती है। उसके बाद में छटनी के बाद में क्या होता है कि आपके टाइम टेबल जारी होता है। टाइम टेबल के बाद में भी आपको एक महीना मिलता है, ऐसे नहीं कि कल एग्जाम है और आज टाइम टेबल जारी हुआ है। करीब 15-20 दिन का आपको समय दिया जाता है टाइम टेबल जारी करने के बाद में। यानी जैसे कि आपकी एग्जाम है मई में, 1 मई से एग्जाम है, तो आपका टाइम टेबल 15 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा, और उसके 15 दिन बाद में आपकी एग्जाम होगी। तो टाइम टेबल जारी होगा, फिर एडमिट कार्ड आएंगे, तो एग्जाम के करीब 5 या 10 दिन पहले एडमिट कार्ड भी आ जाते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें 1.5-2 महीने लगते हैं। इस एग्जाम का जो पूरा प्रोसेस है इसमें 1.5-2 महीने लगते हैं, उसके बाद आपकी एग्जाम स्टार्ट होती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अभी प्रक्रियाएं बहुत धीमे चल रही हैं, सारे कामकाज धीरे हो रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी तक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कॉलेज ओपन नहीं हुए हैं। तो जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हैं उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ली है, जो सभी स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड नहीं हो पाई। कुछ स्टूडेंट तक, जिन कॉलेजों ने ऑनलाइन क्लासेस चलाई है उन्हीं बच्चों तक पहुंच पाई है क्लासेस, बाकी कोई नहीं पढ़ पाए। दूसरी बात, यहां पर सिलेबस भी क्लियर नहीं हो पाया कि सिलेबस कम किया गया है या नहीं किया गया है, तो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। तो एग्जाम डेट तो फिक्स हो चुकी है कि एक्सटेंड होगी, अब वो अप्रैल में हो या मई में हो वो डिसाइड हो चुका है, लेकिन जितना हम सोच रहे हैं कि जितना समय लगने वाला है उसमें ये कंक्लूजन निकल रखे सामने आ रहा है कि आपके जो एग्जाम है वो मई में ही होगी, मई मंथ में आपकी एग्जाम होगी, ये फिक्स है। तो कॉलेज के विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि आप बेफिक्र रहें, अपनी तैयारियों में जुटे रहें, आप तैयारी करते रहें, सिलेबस का भी बहुत जल्दी कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। हम लोग बार बार वीडियो के जरिए सभी को बताना चाह रहे हैं, सभी स्टूडेंट तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप अपनी तैयारियों में जुटे रहें। जो सिलेबस आया हुआ है वेबसाइट पर वो पुराना सिलेबस है, उसमें बिल्कुल भी कोई भी चीज़ रिड्यूस नहीं की गई है, कोई भी चीज़ कम नहीं की गई है। जितना परसेंट सिलेबस लास्ट सत्र में था उतना ही सिलेबस है, लेकिन अभी आप जो है उसी के हिसाब से पढ़ो। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, तो आप पुराने जो सिलेबस है उसी के हिसाब से पढ़ो, चाहे आप यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, या अंतिम वर्ष के स्टूडेंट, मतलब सेकेंड ईयर के हो या अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हो, आप किसी भी वर्ष के स्टूडेंट हो, आप अपनी तैयारी पुराने सिलेबस के हिसाब से जारी रखें। काफी बच्चों की क्लासेस लगना शुरू हो चुकी है, 18 जनवरी से आपकी कॉलेज ओपन हो गई है,
और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात करूं तो फरवरी मंथ से आपकी कॉलेज ओपन होने के पूरे पूरे चांसेज हैं कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के लिए आपके मतलब फरवरी मंथ में आपके जो है यहाँ पर कॉलेज ओपन हो जाएंगे। तो आपको अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्लियर हो चुका है कि आपकी एग्जाम मई में होगी, बस ऑफिशियली आना बाकी है। तो कुछ समय में, मतलब कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ दिनों में ही आपके जो है ऑफिशियली जारी हो जाएगा कि आपकी कॉलेज की एग्जाम इस सत्र में कब होगी। सत्र अगर मई में भी स्टार्ट होती है ज्यादा लेट नहीं होगा। काफी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर अगर मई में एग्जाम होगी तो एग्जाम चलेंगी जुलाई तक, फिर रिजल्ट कब आएगा, तो वापस से ये सेशन भी लेट हो जाएगा। बात सही है आपकी, लेकिन हो सकता है कि आपकी एग्जाम को जल्दी करवाया जाए, जो गैप आपको दिए जाते हैं वो कम किए जाए। इसके अलावा रिजल्ट भी जो देरी लगती है कि भाई एक महीना डेढ़ महीना लगता है रिजल्ट आने में, उसको भी जल्दी घोषित किया जाए तो अगला सत्र प्रभावित नहीं होगा। अगर मई में भी स्टार्टिंग मई में भी आपकी एग्जाम स्टार्ट होती हैं तो पूरे मई मंथ में, पूरे जून मंथ में आपकी एग्जाम चलती हैं तो जुलाई के एंड तक आपके सभी कोर्सेज का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और वैसे भी जुलाई तक तो आपके रिजल्ट आते ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सत्र अगस्त मंथ से भी स्टार्ट होता है तो सारी प्रोसेस नॉर्मली रहेंगी। तो यहां पर अब सभी बातों से ये सिद्ध होता है कि आपकी जो परीक्षा है वो मई मंथ में होगी। फर्स्ट ईयर की फॉर्म डेट 3-4 बार बढ़ चुकी है लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए या फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए। हाँ, उनके लगभग रिजल्ट जारी हो चुके हैं, जो सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे लगभग सभी का रिजल्ट आ चुका है और अभी उनके फॉर्म भी स्टार्ट होने की पूरी पूरी उम्मीद है कि फरवरी मंथ के स्टार्टिंग में उनके फॉर्म स्टार्ट हो जाए। लेकिन मार्च में आपकी एग्जाम नहीं होगी तो जो यूजीसी का जो कैलेंडर जारी हुआ था जिसमें ये मेंशन था कि आपकी एग्जाम मार्च में होगी, वो अब कतई होती हुई नजर नहीं आ रही है कि मार्च में आपकी एग्जाम हो। तो अब आप, मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं, चाहे वो आपके मॉडल पेपर के ऊपर हो, चाहे आपकी कॉलेज प्रिपरेशन की टिप्स हो, मतलब सभी चीजों पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देखें, उसी तरह से अपनी रणनीति बनाएं पढ़ाई की। अभी भी आपके पास में समय है। अगर आपकी एग्जाम मई में होती है तो आपके पास में पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, अभी भी आपके पास में 3 महीने हैं और 3 महीने में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो अपनी तैयारियों में जुट जाओ, सिलेबस बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी तक मतलब कोई भी नोटिस आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। आखिरी 10 दिन से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, जिससे बच्चे कंफ्यूज भी हैं, परेशान भी हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी फिलहाल की जो बात थी मैंने आपको बता दी है कि आपके एग्जाम काफी चांस बन रहे हैं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा चांस बन रहे हैं कि आपकी एग्जाम आगे खिसकेगी और आपकी एग्जाम स्कूल वालों की तरह ही आपकी एग्जाम भी मई मंथ में, मई मंथ में होगी। प्लीज आप सभी तैयारी करते रहें और आपकी एग्जाम डेट भी जल्दी से आ जाएगी, आपके फॉरम भी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कोई अपडेट आती है मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।